बाइकों की तलाश में आज हम लोग आ पहुंचे हैं सेनेगोग स्ट्रीट में, स्टाइल शोरूम के बिल्कुल बैक साइड, फ्रंट साइड में, आप साइड में भी कह सकते हैं, कहाँ पर रेस्टोरेंट टाइबा या रेस्टोरेंट टाइबा कैफे भी कहा जा सकता है। हम लोग यहाँ पे क्या ट्राई करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं चिकन लजीजी, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का और तंदूरी और काफ़ी सारी चिकन की वैरायटी है। हम लोग देखेंगे क्या क्या है, प्राइस देखेंगे, रिव्यू देखेंगे क्या क्या है। चलिए लेंगे, इसको ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करके टेस्ट करके। चाइनीज ताइबा से ही हमने चालू किया है, ताइबा चाइनीज बेस्ट चाइनीज। मतलब इसके पहले आप चाइनीज नहीं खाते थे? चाइनीज नहीं खाता, चाइनीज पुणे के अंदर चाइनीज टेस्ट लगता है, ताइबा में हम मोस्टली बीफ खाता, चिकन मंचूरियन, तंदूर में जाएगा मतलब। हाँ, बटर लगाएंगे इसमें, अब कितने देर के लिए रखेंगे इसको? 2 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के लिए। आ गया सैलेड रेडी, हो गया ये रेडी पूरी तरीके से। तंदूरी माशाल्लाह इधर जितने पुणे में कंपटीशन है फिलहाल में, तो तंदूरी में 10 में से 9 या 9.5 दूंगा तंदूर के लिए, क्योंकि पुणे में बेस्टेस्ट तंदूरी फिलहाल में ये एरिया में, जिनके 4 से 5 ही कैम में, और उसमें से एक ताइबा का नाम आता है। एक ताइबा का नाम। तो भाई हम लोगों की डिश हो गई है रेडी, चिकन लजीजी जैसे आप देख सकते हो गई, चिकन लजीजी हमारी रेडी, और चिकन मलाई टिक्का ये आप दोनों देख सकते हैं। इसको आप ट्राई करेंगे तंदूरी रोटी के साथ, दिख तो बढ़िया रहा है लेकिन टेस्ट की कसौटी ट्राई करेंगे हमारी जबान, तो लेते हम लोग ट्राई करेंगे पहले चिकन मलाई टिक्के, टिक्के के साथ देखेंगे क्या। देखिए टेस्ट की बात यही होती है कि चिकन या मटन अच्छी तरीके से अंदर तक गल जाए या पक जाए, दिख भी काफ़ी बढ़िया रहा है, इसको लेंगे ऐसा ही देखेंगे। बेहतरीन स्वाद आ रहा है, ऊपर से जो चाट मसाला डाला गया है उसका टेस्ट वो वाला कह सकते हैं आप बढ़ गया है, और अच्छा बेहतरीन टेस्ट जैसे कि आप उसको जैसे हम लोगों ने तंदूर में पकाया है बेहतरीन तरीके से पक गया है, और दूसरी बात यह है कि मज़ा बढ़ रहा है खाने के, मुगलाई स्टाइल लग रहा है, बहुत बेहतरीन लाजवाब, और गोश्त अंदर तक पक भी गया है देख सकते हैं आप लोग। चाहिए भाई आवाज़, क्योंकि हम लोगों की डिश रेडी हो गई है, कौन सी? चिकन लजीजी, लजीजी क्योंकि लजीज है इसके लिए लजीजी, देखिए तो काफ़ी खूबसूरत रही है, इसके अंदर बोनलेस डाला गया है कच्चा, फिर उसको साथ ही में पकाया गया है, देखेंगे हम लोग टेस्ट, और ऊपर से बॉईल किया गया चिकन भी डाला हुआ है, तो हम लोग लेंगे इसको तंदूरी रोटी के साथ। रोटी की सॉफ्टनेस देखिए, टूटने के साथ काफ़ी बढ़िया होना चाहिए कि काफ़ी स्ट्रेच ना हो, खींचे ना जाए, तो लेंगे हम लोग ट्राई करेंगे इसको, पहले चिकन भी तोड़ के देखेंगे अंदर से,
हाथ लगा दे साथ ही, चिकन आ गया है बाहर, देखिए आप। कब लेंगे हम लोग इसको तंदूरी रोटी के साथ चिकन लजीजी को? बस के अंदर पीसेस डाले गए हैं चिकन के बारीक बारीक काट कर, बोनलेस कच्चे, वो उसी को पकाया गया। मुगलाई फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, और दूसरी बात जो कच्चे चिकन के पीसेस डाले गए थे बोनलेस काट कर, वो ग्रेवी के साथ ऑटोमेटिकली पक गए, अच्छा टेस्ट दे रहे, डिफरेंट फ्लेवर क्रिएट कर रहे, और मसाले अच्छे चीखते पुकारते मसाले तो है नहीं इसके अंदर, मसाले काफ़ी डाले गए लेकिन इतने भी हाई पर नहीं कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी या काफ़ी ज़्यादा मसालेदार हो जिसे कहा जाता है, बेहतरीन लग रहा है। और एक डिश ट्राई करेंगे, और एक बार डिश नहीं निवाला कहते आप जिसे, बढ़िया बेहतरीन लाजवाब एक्सेलेंट टेस्ट है, मज़ा आ गया। हो गई है तंदूरी हम लोगों की तहबा की, देखेंगे ट्राई करेंगे अभी हम लोग, काफ़ी अच्छी तरीके से रोस्ट, ये एक फुल तंदूरी है ना, तो काफ़ी खूबसूरत है लेकिन इम्तिहान लेगी हमारी ज़बान, देखेंगे कैसा टेस्ट है इसका, बताएंगे। दिख तो काफ़ी अच्छी रही है, गरम है, पक भी बेहतरीन तरीके से गई अंदर तक, क्योंकि तोड़ते ही निकल रहा है इसका पीस अंदर तक, काफ़ी बेहतरीन। इसको लेंगे लेमन के साथ करेंगे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पक गई है तंदूरी, टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है, लाजवाब अच्छी तरीके से पक गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं तंदूरी का लेग पीस ये देखिए, मसाले भी काफ़ी अंदर तक इसके चले गए हैं जैसे कि, और ज़्यादा स्पाइसीस नहीं कि जैसे कि काफ़ी चीखते पुकारते मसाले रहते वैसा नहीं है, टेंडरनेस काफ़ी बेहतरीन है, टेंडरनेस मीन्स इसका स्मूथनेस मक्खन के जैसा आ रहा है, एटलीस्ट ज़बरदस्त, क्या ही कहना। इसके ऊपर जो चाट मसाला डाला गया है, लाई जाओ आप देखो चाट मसाला, ये सोने पे सुहागा, मज़ा आ गया। अभी शेजवान राइस भाई ने रिकमेंड किया है, यहाँ के कस्टमर्स के फीडबैक पे शेजवान राइस हम लोगों ने ले लिए है। चिकन के पीसेस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे, आई लाइक चाइनीज बहुत खाता हूँ मैं हफ्ते में दो बार, इसको भी ट्राई करेंगे देखेंगे, बढ़िया दिख रहा है, स्मेल भी काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं, चावल काफ़ी खुले खुले पके हुए हैं, पीसेस भी काफ़ी अच्छे और क्लीन और नीट दिख रहे हैं, बाकी का टेस्ट तो ज़बान बता दी। अच्छा फ्लेवर आ रहा है चाइनीज़ का जैसा आना चाहिए, और ज़्यादा करके लिटिल बिट 30% के अंदर एग का फ्लेवर जो आता है ऊपर से जो मिल करके डाला जाता है बेहतरीन। चिकन के पीसेस भी अच्छी खासी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में डाले गए हैं, देख सकते हैं आप कि पीसेस टूट रहे काफ़ी, थोड़ा सा टच करने के बाद, तो चाइनीज़ में काफ़ी ज़्यादा जगह खाता हूँ लेकिन इतनी पसंद आती नहीं है, तहबा कैफे की चाइनीज़ मुझे बेहतरीन लग रही, अच्छी है, ला जाओ मज़ा आ गया था, बहुत बेहतरीन। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए, आप देखते रहे फूड स्टोरी 91, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।